हमारा जो चैप्टर है कौन सा, आनुवंशिकता और जैव विज्ञान। इसमें हमने बात करी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवंशिकी के पितामह कौन है, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे के ऊपर करे, मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यय लक्षण देखे, उनके बारे में हमने अभी चर्चा करी। अब जो आनुवंशिकी का आधार है कौन, मेंडल के नियम। अब ये क्या है, अब देखो सबसे पहला जो नियम आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, प्रभाविता का नियम। अब प्रभावी इस शब्द से अपन क्या समझते हैं, जो अपना प्रभाव दिखाता है, जो अपना रोग दिखाता है, अपनी भाषा में बात करें। तो मेंडल ने जो लक्षण लिए थे विपर्यय, उनमें क्रॉस कराए, तो मेंडल ने देखा कि कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कुछ लक्षण कैसे होते हैं, अप्रभावी, जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो मेंडल ने इनको क्या कहा, प्रभावी कारक, जो अपने आप को प्रदर्शित करेगा, गुणों की अभिव्यक्ति करेगा, प्रभावी कारक, और जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा वो अप्रभावी कारक या अप्रभावी गुण, ठीक। तो यही है हमारा मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम। तो जो जोड़ा होता है एलील का जोड़ा, उनमें या तो वो प्रभावी होंगे या अप्रभावी होंगे। जब उनके बीच में क्रॉस किया जाता है तो हमेशा प्रथम पीढ़ी में कौन सा लक्षण दिखाई देगा, प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। इसको हम करके देखते हैं। अब जैसे मेंडल ने लिया कौन सा पौधा, मटर का, तो लिए ही है। हेलो, हाँ, अब देखो मटर के अंदर मटर ने क्या देखा, ए लाल पुष्प वाले पौधे देखे, ठीक। ये लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, लाल पुष्प, ठीक। इनका क्रॉस किससे कराएंगे, सफेद वाले को, इसी का भी विपर्यय लक्षण ये लिया हमने, इसी का अपोजिट लिखेंगे, यहाँ कैपिटल लिखा है तो यहाँ स्मॉल लिखेंगे, ठीक। इसका अपोजिट लक्षण कौन सा है, सफेद पुष्प, ठीक। ये कौन सा लक्षण है, प्रभावी, और ये कौन सा लक्षण है, अप्रभावी। ये मेंडल ने देखा है प्रभावी, और उसी का विपर्यय लक्षण देखा है अप्रभावी, ठीक। ये किस रूप में काम करेंगे, पेरेंट के रूप में काम करेंगे। अब इनमें क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, ये गैमेट बनेंगे। मेरे को सब सुनाई दे रहा है, ये कैपिटल आर और इसका गैमेट बनेगा स्मॉल आर, या लिखे हैं हम गैमेट, ठीक। क्रॉस हुआ, ये क्रॉस हुआ, कैपिटल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर। और ये कौन सी पीढ़ी है, एक वर्ड जनरेशन, फर्स्ट पीढ़ी, ठीक। अब ये कौन से पौधे होंगे, मेंडल का कौन सा नियम, प्रभावी लगा। और अभी मैंने आपको बताया कि लाल पुष्प वाले पौधे का करा सफेद पुष्प वाले से करा रहे हैं, फूलों का लाल रंग प्रभावी लक्षण है और सफेद रंग अप्रभावी लक्षण है। और अभी चर्चा करी कि जब तक प्रभावी कारक मौजूद है वो ही अपने आप को प्रदर्शित करेगा, प्रभावी कारक के कारण अप्रभावी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तो ये कौन से पौधे होंगे, लाल पुष्प प्रभावी तो आएगा ही सही, कौन सा रहेगा यहाँ पे, लाल पुष्प वाले पौधे होंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, अब इन्हीं के बीच में हमने क्या होने दिया, स्व परागण होने दिया, ये लिखा
ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, दूसरा नियम तथा प्रकरण का नियम। अब उसको हम यहाँ देखेंगे। एक तो पृथक्करण कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। ये दोनों कारक देखा जाए तो अलग अलग गैमेट बनाएंगे, लेकिन दोनों एक जैसे बन रहे हैं, इसलिए हमने एक ही बात पे लिखा। यानी गैमेट निर्माण के समय कारक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, तो गैमेट निर्माण के समय जोड़े के दोनों कारक क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये दोनों कारक कभी भी एक साथ एक संतति में नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो इसी के बनाते हैं अपन, अब इनके भी तो गैमेट बनेंगे। हाँ, तो ये दोनों एक साथ जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। यहाँ देखो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर अलग हो गए। ये लिखा है हमने पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी गैमेट निर्माण के समय जोड़े के दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं, और चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी हो, दोनों ही स्वतंत्र रूप से कहाँ पहुँचते हैं, संतति में पहुँचते हैं। और चूंकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दोनों कारक अलग अलग हो रहे हैं, युग्मक कभी भी एक साथ नहीं जाएंगे दोनों कारक, इसलिए इसका एक और नाम क्या दिया हमने, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब यहाँ पर ये देखो, एक पौधा मेल ग्रुप में काम कर रहा है, दूसरा फीमेल ग्रुप में। अब इसके भी क्या होंगे, गैमेट बनेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये लिखा मैंने कैपिटल आर, ये लिखा स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या होगा, फ्यूजन होगा इनका, कैपिटल आर कैपिटल आर। दिखाई दे रहा है उधर वालों को, इसमें नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का फ्यूजन हुआ, कैपिटल आर कैपिटल आर। इन दोनों का फ्यूजन हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर। इन दोनों का फ्यूजन हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर। इन दोनों का फ्यूजन हुआ, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक। अब ये कौन सी पीढ़ी है हमारी, सेकेंड जनरेशन एफ टू पीढ़ी, क्लियर है। अब यहाँ देखो प्रभाविता का नियम यहाँ फॉलो हुआ। प्रभाविता के नियम के कारण प्रथम पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण आया। दूसरा नियम, गैमेट निर्माण के समय दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। ये देखना दोनों कारक क्या हुए, अलग अलग, यहाँ पे भी हुए थे अलग अलग, समझ में आया। दूसरा नियम, अब तीसरा नियम देखो, प्रथम पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण आया, अब द्वितीय पीढ़ी में देखिए आप यहाँ पे ये कौन सा लक्षण होगा, अरे कौन, हाँ प्रभावी तो है, कैपिटल आर मतलब प्रभावी लक्षण, लेकिन कौन सा, लाल पुष्प। ये जितने भी पौधे रहेंगे कौन से रहेंगे, लाल पुष्प, लाल पुष्प वाले, ये लाल लाल, ये लाल पुष्प, ये लाल लाल, ये लाल पुष्प, और ये सफेद। क्यों सफेद, क्यों, क्योंकि क्योंकि प्रभावी है ही नहीं, अप्रभावी है ही नहीं, तो अप्रभावी अपने आप को प्रदर्शित करेगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर यही हमारा क्या है, स्वतंत्र अभिमन का नियम, के द्वितीय पीढ़ी में जाकर क्या होता है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं, और स्वतंत्र रूप से संतति में पहुँचते हैं और अपने आप को व्यक्त करते हैं। अब प्रथम पीढ़ी में तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो स्मॉल आर है, लेकिन इस प्रभावी कारक के कारण ये अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाया। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में हमको प्रभावी भी मिले हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से पहुंचा है अप्रभावी कारक भी, और उसने भी अपने आप को प्रदर्शित करा है,
तो यही नियम क्या कहलाया? स्वतंत्र प्रभाविता का नियम क्या कहता है? कि जब तक प्रभावी कारक है वो ही अपने आप को प्रदर्शित करेगा। जो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं वो प्रभावी कारक, और जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते हैं वो अप्रभावी कारक। पृथक्करण का नियम के गेमिट निर्माण के समय प्रभावी और अप्रभावी कारक क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये दोनों कारक क्या हुए? अलग अलग हो गए। इसीलिए इसको कहा गया युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम क्या है? कि चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, स्वतंत्र रूप से कहाँ पहुँचेगा? दूसरी पीढ़ी में पहुँचेगा और अपने आप को प्रदर्शित करेगा, चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी। तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर अप्रभावी ने भी अपने आप को प्रदर्शित किया, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हुए और अपने प्रभाव को दिखा रहे। क्लियर है तीनों नियम? अब आप यहाँ पर देखो, रेशो लिखा जाता है फिनोटाइप रेशो। क्या लिखा जाता है? फिनोटाइप रेशो। और फिनोटाइप क्या होता है? और दूसरा लिखा जाता है जीनोटाइप रेशो। अब व्हाट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप? अब जैसे फॉर एग्जांपल, हम जो दिखाई दे रहे हैं बाहर, जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, काला है, किसी के घूंघरा है, बाल है, किसी में कोई बीमारी है, हमारे अंदर जो बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है वो कहलाता है फिनोटाइप। अब ऐसा नहीं कि हमारे अंदर दूसरे जीन्स नहीं है, है, लेकिन वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, वो अंदर दबे हुए हैं, लेकिन अंदर मौजूद तो है। तो फिनोटाइप समलक्षणी, जो बाहरी रूप होता है, और जीनोटाइप जो एक्चुअल में जीन होते हैं वो क्या होता है? जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप है जीनोटाइप। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ का इसका फिनोटाइप क्या है? तीन तो हमको क्या दिख रहा है? दिख तो लाल रहे है, लेकिन ये शुद्ध है क्या? नहीं, ये अशुद्ध लाल है। और ये क्या है? शुद्ध सफेद। लेकिन हम यहाँ ये तो नहीं लिख सकते फिनोटाइप, मतलब जो आपको बाहरी दिख रहा है, वो बाहरी क्या दिख रहा है? तीन अनुपात एक, फिनोटाइप रेशो। अब जीनोटाइप रेशो जो एक्चुअल में है वो लिखना पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या है? एक अनुपात एक शुद्ध सफेद, सॉरी शुद्ध लाल, दो अशुद्ध लाल, ये दो अशुद्ध लाल, शुद्ध सफेद सफेद, ये है। ये तो बाहरी रूप, और ये अंदर का ये जो वास्तव में उसके अंदर जीन्स है, तो ये कहलाता है फिनोटाइप अनुपात, और ये कहलाता है जीनोटाइप। सब लक्षणी और जीन प्ररूपी, ये शब्द आएंगे आपकी किताब में। ठीक, अब देखो, अभी मैंने बोला था आपको एक संकर ग्रास, तो यही एक संकर ग्रास भी है। तो मैंने कितना लक्षण लिया? एक लक्षण लिया, पुष्प का लाल रंग लिया, इसका ग्रास सफेद पुष्प से कराया। तो एक संकर ग्रास की परिभाषा ही ये है कि जब एक जोड़ी भी पर्यायी लक्षणों को लेकर क्रॉस किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं अपन? एक संकर क्रॉस। और मेंडल ने क्या करा? मटर का कोई सा भी एक लक्षण ले लिया कि लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी पुष्प वाले लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए, और द्वितीय पीढ़ी में जाकर प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही पुष्प उत्पन्न हो रहे। और फिनोटाइप अनुपात 3:1 रहा, और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 रहा। ये लिखना पड़ेगा और ये आरेख बनेगा एक संकर क्रॉस में। और ये तीनों नियम तो है, इसे इन तीनों नियमों को हमने इस आरेख से समझा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसे मैंने लाल पुष्प लिया, आप लोग लंबापन और गोनापन इसका क्रॉस करके देखो, करो, ठीक है? ये हुआ एक संकर क्रॉस।